हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए विश्लेषण करें आज के द हिंदू अखबार की मुख्य सुर्खियों का। फ्रंट पेज की न्यूज़, क्वेश्चन बट डोंट अरेस्ट कोलकाता पुलिस चीफ से सुप्रीम कोर्ट टू सीबीआई। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना धरना बंद किया जब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को ये ऑर्डर दिया कि वो पूछताछ के लिए अपने आप को सीबीआई के सामने उपलब्ध कराए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पे ये पाबंदी भी लगाई है साथ ही साथ कि वो मिस्टर कुमार के खिलाफ कोई भी प्रतिरोधी कदम नहीं उठाएंगे, यहां तक कि उन्हें अरेस्ट भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, होम मिनिस्ट्री इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय एनआरसी प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट केंद्र पर बरस पड़ा जब अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनआरसी के काम को रोक दिया जाए, निलंबन कर दिया जाए। भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहिंतन नरीमन की एक बेंच ने गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब मिस्टर वेणुगोपाल ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की 167 कंपनीज के पुनः तैनाती की आवश्यकता को उजागर करने की मांग की, जो कि फिलहाल एनआरसी के काम में लगी हुई है, ताकि उन्हें जनरल इलेक्शन के वक्त में देश के दूसरे हिस्सों में तैनात किया जा सके। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि जनरल इलेक्शन के साथ साथ एनआरसी का काम आयोजन करना काफी कठिन होगा। अगली खबर है, बुलेट ट्रेन गेट्स ग्रीन लाइट वाया फ्लेमिंगो हेवन नेशनल पार्क। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक कमेटी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर को वन्य जीव अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि ये कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर मुंबई के फ्लेमिंगो सेंचुरी और संजय गांधी नेशनल पार्क पर अतिक्रमण करेगा। इस प्रस्ताव में थाने क्रीक फ्लेमिंगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 3,2756 हेक्टेयर वन्य भूमि और जंगल के सुरक्षित क्षेत्र के सीमा के नजदीक वाली भूमि का 97,5179 हेक्टेयर जमीन का परिवर्तन किया जाना है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट रेल परियोजना 3 सालों में पूर्ण की जानी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत बताई जा रही है 1.8 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से 80% जापान से लोन लिया जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में इस परियोजना के अंतर्गत होने वाले भूमि अधिग्रहण के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी किए गए। इस परियोजना की कुल लंबाई होगी 508 किलोमीटर, जो कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर गुजरात के साबरमती में खत्म होगा। महाराष्ट्र में इसकी लंबाई होगी 156 किलोमीटर, वहीं गुजरात में ये 348 किलोमीटर होगी और दादरा और नगर हवेली में 4 किलोमीटर। इस परियोजना के लिए तकरीबन 1400 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी, जिसमें से 353 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है और बाकी की जमीन गुजरात में। महाराष्ट्र में ये 3 जिलों से पास होगी, वहीं गुजरात में ये 8 जिलों से पास होगी। इस परियोजना में संजय गांधी नेशनल पार्क की वन्य भूमि का 32.7 हेक्टेयर जमीन और गैर वन्य भूमि का 70.3 हेक्टेयर जमीन का परिवर्तन किया जाना है। साथ ही तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की 0.69 हेक्टेयर वन्य भूमि और 4.75 हेक्टेयर गैर वन्य भूमि भी इसमें शामिल की जानी है। अगली खबर है, आयुष्मान भारत वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम। नव गठित नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के उद्घाटन पर यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जेपी नड्डा ने ये कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम के तौर पर स्थिर हो चुकी है, जिससे तकरीबन 10 लाख मरीजों को लाभ पहुंचाया गया।
साथ ही साथ उन्होंने आयुष्मान भारत पीएमजे की मोबाइल ऐप को लॉन्च करते वक्त ये भी कहा कि वो राज्य जिन्होंने आयुष्मान भारत को अब तक नहीं चुना है, वो गरीबों को इस स्कीम से होने वाले लाभ के अवसर से वंचित रख रहे हैं। अब आते हैं पेज 10 पे, करतारपुर कॉरिडोर साइट प्लान्स शेयर्ड विद पाकिस्तान। भारत ने पंजाब के गुरदासपुर जिले की सीमा पर 0 पॉइंट के निर्देशांक पाकिस्तान के साथ शेयर किए हैं, जहां करतारपुर साहिब श्राइन तक जाने वाला 100 यार्ड का कॉरिडोर बनाया जाना है। सिख समूह नई दिल्ली और इस्लामाबाद में अपनी अपनी सरकारों से याचिका कर रहे थे कि भारत में गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक और पाकिस्तानी पंजाब के नारोवल प्रोविंस में करतारपुर के बॉर्डर पे एक पिलग्रिम कॉरिडोर, एक तीर्थ गलियारा बनाया जाए। योजना तो यह है कि इस परियोजना को 23 नवंबर 2019 तक पूर्ण कर लिया जाए, जब गुरु नानक का 550वां जन्मदिवस है। अगली खबर है 100% यूज ऑफ वीवीपैट फॉर लोकसभा पोल सेज इलेक्शन कमीशन। मंगलवार को इलेक्शन कमीशन ने मद्रास हाई कोर्ट को ये सूचित किया कि 2017 में ही इसने स्पष्ट कर दिया था कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट सिस्टम इस साल के लोकसभा चुनाव में 100% यूज किया जाएगा, ताकि मतदाता का विश्वास हासिल किया जा सके। वीवीपैट सिस्टम हर वोटर को, हर मतदाता को 7 सेकेंड के लिए एक प्रिंटेड स्लिप दिखाता है और ये कंफर्म करता है कि उसका वोट उसी कैंडिडेट को, उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने वोट दिया था। अब बढ़ते हैं पेज 12 की इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। आईएस सीकिंग कमबैक डिस्पाइट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स क्लेम दैट द सो कॉल्ड इस्लामिक स्टेट हैज बीन डिफीटेड, द मिलिटेंट ग्रुप रिमेन्स अ थ्रेट अराउंड द वर्ल्ड। बावजूद यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दावे के कि तथाकथित इस्लामिक स्टेट को हराया जा चुका है, ये आतंकवादी समूह विश्व भर में एक खतरा बना हुआ है। इराक और सीरिया में अपने पहले की टेरिटरीज, अपने पहले के इलाके हारने के बाद आईएस ने उग्रवाद की रणनीति अपनाई है, जिसके चलते 2018 के पहले 10 महीनों में ही उसने 1200 हमले लॉन्च किए थे। पूर्वी अफगानिस्तान में आईएस की एक सेल है जो कि सुरक्षा बल और आम लोगों पर हमले करवाती है। आईएस की सिनाई बेस्ड संबद्ध बड़े बड़े हमले करने में सक्षम है इजिप्ट में, जैसे कि 2015 की रशियन हवाई जहाज की बॉम्बिंग जिसमें 224 लोग मारे गए थे। लीबिया में आईएस का संबद्ध दक्षिणी रेगिस्तान में सक्रिय है। इसका लिंक 2016 के बर्लिन में हुए आतंकवादी हमले और 2017 में मैनचेस्टर में हुए आतंकवादी हमलों से है। मिंदानाओ क्षेत्र के मुस्लिम विद्रोहियों ने आईएस की तरफ निष्ठा की प्रतिज्ञा की है, जिसने 27 जनवरी 2019 में जोलो आइलैंड कैथेड्रल में हुई बॉम्बिंग की जिम्मेदारी का दावा लिया है। साहेल में इस्लामिक स्टेट ने माली, नाइगर और बर्किना फासो में हमले किए हैं। यमन में भी आईएस के एफिलिएट्स की, उसके संबद्ध की मौजूदगी पाई गई है। वहीं इसके दूसरे संबद्ध समूह भी हैं, जैसे नाइजीरिया में बोको हराम। अगली खबर है पेज 13 पे, गवर्नमेंट सब्सिडी स्पेंड ऑन द राइज अगेन। एलपीजी की बढ़ती कीमतें और बढ़ते हुए ग्राहकों के परिणाम स्वरूप सरकार के सब्सिडी व्यय पिछले 2 सालों में बढ़ गए हैं। डेटा के मुताबिक सब्सिडीज पर सरकार का कुल व्यय 2019-20 के संपूर्ण व्यय का 9.83% होगा, जो कि 2018-19 के 9.65% से ज्यादा है। लेकिन अगर 2012-13 के आंकड़े देखे जाए तो इस साल के आंकड़े काफी कम है। 2012-13 में ये आंकड़ा था 18.2%, जो कि साल 2017-18 में 8.15% भी हुआ था। इसी के साथ
हमारे आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है।